स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो आज हम इस वीडियो में अपना टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कुछ हद तक कवर कर दिया था, एक छोटा सा हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ था। ओके, और ये टॉपिक जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीबीएसई एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता है। ओके, खासकर इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी से। ओके, या जनरली 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का एक जनरल क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसलिए हम इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अपने लास्ट वीडियो में समझा था, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब हम इस वाले वीडियो में समझेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करते हैं। फर्स्ट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन द एट इट्स साउथ पोल बाय कन्वेंशन। हम ये मानने चलते हैं एक मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करती है, हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगी और साउथ पोल पर टर्मिनेट होगी। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगी एंड साउथ पोल पर टर्मिनेट होगी। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिखी नहीं है, बट वो होती क्या है, बट इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ पोल एंड टर्मिनेट एट द नॉर्थ, देयर विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बिकॉज दे आर द क्लोज कर्व। ये क्या होती है, क्लोज कर्व होती है, ये पूरी क्लोज कर्व होगी, पूरी क्लोज कर्व। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी सेकंड, दिस लाइंस आर क्लोज एंड कंटीन्यूअस कर्व। जैसे मैंने बताया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये कहते हैं क्लोज कंटीन्यूअस कर्व होती है, क्लोज कंटीन्यूअस कर्व्स होती है। ठीक है, दिस इज माय सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रांग एंड दे आर सेपरेटेड फार अवे वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। जहां पर पोल होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी क्राउडेड होगी, बहुत पास पास होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है यही बता रहा है कि यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली यहां पर अगर तुम देखोगे यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या काफी क्राउडेड है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है। पोल पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और जैसे तुम इससे दूर जाओगे, पोल से दूर जाओगे, तो यहां पर और यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दे आर फार अवे। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां पर क्या है, कम है, और यहां ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडनेस, क्योंकि कितनी क्राउड है और कितनी फार अवे, हमें ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अभी इस वीडियो में कहा था कि फोर्थ पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर सीबीएसई 10 टाइम्स क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें 9 टाइम्स क्वेश्चन इस पॉइंट पर होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मुझे सपोज करते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं उस पर क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो अगर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो गई तो टेंजेंट में इस तरफ ड्रॉ करूं या इस तरफ ड्रॉ करूं, आई कैन डिसाइड। मैं यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता ही नहीं सकता, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टू टू हो जाएगी। एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। इसीलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इफ दे विल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, टू डायरेक्शंस हो जाएंगी, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पर टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर, तो जल्दी से एक बार इन 5 पॉइंट्स को, मैंने एक फोर अपने बताया था यहां पर, इसके इसके साथ जोड़ देते हैं एक फिफ्थ पॉइंट, तो इन फिफ्थ पॉइंट को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
फाइव पॉइंट्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल बट आउटसाइड द मैग्नेट. इनसाइड द मैग्नेट, सेकंड पॉइंट, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. नेक्स्ट, दिस लाइंस आर क्लोज एंड कंटीन्यूअस कर्व. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, क्या होती है, क्लोज कंटीन्यूअस कर्व्स होती है, क्लोज कंटीन्यूअस कर्व. थर्ड पॉइंट, दे आर क्राउडेड वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग. जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी वहां पर ये क्राउडेड होगी लाइक पोल्स, एंड जहां पर ये क्राउडेड नहीं होंगी दे विल बी फार अवे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी. लास्ट पॉइंट जो कि फिफ्थ पॉइंट है, मैंने इसी में दो पॉइंट बना दिए. फिफ्थ पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट कैन नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो होपफुली अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड